बडीज, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सब? तो चाय पीजिए, सुबह का टाइम है। वेल दोस्तों, सो ममाज और डाडा, सब लोगों को टेंशन हो जाती है, समर आ गई है, बच्चों की केयर कैसे करें, स्किन के ऊपर धूपें खेल खेल के उनका टैन बहुत ज़्यादा जम जाता है, टैन को कैसे निकाला जाए। दोस्तों, आज मैं आपको बहुत ही अच्छी चीज़ बताने वाली हूँ ताकि आपके बच्चे की पूरी बॉडी पे आप इसे अप्लाई करें और गर्दन के ऊपर, बाजू के ऊपर, घुटनों पे, क्योंकि बच्चे शॉर्ट्स डालते हैं तो वो अच्छे से क्लीन हो पाए। तो ये थोड़ा, इसको फेस पे अप्लाई नहीं करेंगे हम लोग, नेक पे, कोहनियों पे, बाजुओं पे और शोल्डर, सॉरी नीज पे और पैरों पे आप इसका यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि हम इसे थोड़ा सा थिक बनाने वाले हैं। तो इसके लिए हमें सबसे पहले चाहिए बेसन। बेसन के जो छोटे छोटे दाने होते हैं वो बहुत अच्छे स्क्रब का काम करते हैं, राइट? तो बेसन हम इसमें लेंगे और अब हम इसके अंदर डालने वाले हैं आधा चम्मच नारियल का तेल, जो स्किन, जैसे ही आप इस पेस्ट को बनाएं वैसे ही इस्तेमाल कीजिएगा, ठीक है? तो इसको पूरी गर्दन पे अच्छे से अप्लाई करें और ऊपर की तरफ गोल गोल घुमा घुमा के स्क्रबिंग करिए। नेक पे बहुत अच्छे से स्क्रबिंग करें, क्योंकि सन टैन से नेक हमारी काफ़ी ब्लैक हो जाती है। पैरों पे स्क्रबिंग करें अच्छे से, हाथों पैरों पे स्क्रबिंग करें और आप इसका डेली इस्तेमाल कर सकते हैं, सोप लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और हर बच्चों की स्किन काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट हो जाएगी और बहुत ही क्लीन हो जाएगी, जितना भी डस्ट है, डर्ट है और हाँ, टैन जम गया है वो बड़े आराम से निकल जाएगा। और बहुत ही नेचुरल सा मेथड है, कुछ भी इसमें केमिकल हमने नहीं डाला है, सिर्फ बेसन है, ऑयल है और दही है, दैट्स इट। तो इसका इस्तेमाल ज़रूर करें। अगर आपको इसके रिलेटेड कोई भी जानकारी चाहिए होगी तो मुझे नीचे कमेंट बार में ज़रूर बताइएगा। मिलूंगी अब नए वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।